आत्मविश्वास संघर्ष और दृढ़ता ही हर एक प्रतियोगिता जीतने का सूत्र है जय हिंद छात्रों मई शार अहमद कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के इस क्वेश्चन सेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ कि आप अपनी निरंतरता बरकरार रखें छात्रों हमारा विषय चल रहा है भारतीय भूगोल और भारतीय भूगोल के हमने बहुत सारे टॉपिक पिछली कक्षाओं में कवर किए हैं आज जो हमारा टॉपिक है भारत में उद्योग से है उद्योग से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछली कक्षाओं पिछली परीक्षाओं में उन प्रश्नों को आज हम इस सत्र में देखने वाले हैं तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए कुछ डिटेलिंग देखते हैं देन उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आइए हमारा विषय भारतीय भूगोल भारत के उद्योग एवं जो अनुसंधान केंद्र होते हैं भारत में जो रिसर्च सेंटर हैं रिसर्च सेंटर्स हैं उनके बारे में आज हम प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न की प्रकृति कैसे होती है ठीक है तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए प्रारंभ करते हैं ये रहा हमारा भारत में नवरत्न महारत्न कंपनियों की लिस्ट ठीक है यहाँ दिखाई दे रहा है आपको भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ठीक है यहाँ दिखाई दे रहा है ठीक है बेल कहते हैं जिसे ठीक यहाँ इसके आपका स्थापना वर्ष दिखाई दे रहा है तो स्क्रीन ले लीजिए ये वर्तमान के आंकड़े हैं ठीक है इस अनुसार जो है आप इसे जो है आप याद करिए ठीक है जिसकी संख्या कितनी है ग्यारह है दिखाई दे रहा है ठीक ये सात कहा से आ गया ठीक है ये दो है इसको गलत करेंगे ऊपर वाला जो है नीचे टाइप हो गया ठीक है जमा चाहूंगा इसके लिए ये रहा इसका स्थापना वर्ष स्क्रीन शॉट लीजिए रोक के इसे पढ़िए ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं ये रहा नवरत्न कंपनियों की लिस्ट यहाँ दिखाई दे रही है आपको ठीक है तो इस प्रकार से इन तथ्यों को याद रखना हमें बहुत जरूरी है ठीक है आगे बढ़ते हैं आइए इसे याद ही रखना होगा आपको इसको जो है याद रखना अनिवार्य है इसकी डिटेलिंग जो है आप डिटेलिंग क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा उद्योग किस किस आ, मतलब चीजों का निर्माण करता है ठीक है ये भी जो है यहाँ गलत होगा ठीक आठ आगे है पीछे रहा होगा आठ ये रहा और वही जो है इस तरफ आगे होगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं आइए प्रश्न हमारा पहला बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था खालिस्थान के सहयोग से ओ हो हो तो ये याद रखना हमारे लिए अनिवार्य है ठीक याद रखिएगा आपका रूस ठीक है जो कि सोवियत संघ के नाम से क्या बोलते हैं जाना जाता है रूस के सहयोग से आपका बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था ठीक आगे बढ़ते हैं आइए उन्नीस के दशक में ठीक यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर दो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ठीक है आइए देखिए भिलाई मध्य प्रदेश पहले ही दिखाई दे रहा है आपका ठीक भिलाई मध्य प्रदेश में ना हो के कहा है आपका छत्तीसगढ़ में ठीक आपका इस प्रकार प्रश्न देखना है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है झारखंड जमशेदपुर झारखंड बिल्कुल सही है राहुल केला उड़ीसा में बिल्कुल सही है ठीक है अब देखिए भिलाई का जो निर्माण हुआ था वो भी आपका सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से हुआ था ठीक है इस प्रकार याद रख सकते हैं आइए मैं डिटेल ही कर देता हूँ आपका भिलाई किसके सहायता से हुआ था रूस से हुआ था पश्चिम बंगाल में जो आपका दुर्गापुर है याद रखना है ब्रिटेन के सहयोग से बना है जमशेदपुर यहाँ दिखाई दे रहा है झारखंड में यह निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है ठीक राहुल केला जो है आपका उड़ीसा में इसका निर्माण जो है ब्रिटेन की सहायता से हुआ था ठीक है तो सॉरी इसका जर्मनी की सहायता से हुआ था राहुल केला का ठीक है क्षमा चाहूंगा जर्मनी की सहायता से हुआ था राहुल केला उड़ीसा का तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं इसके तथ्य ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक तीन है हमारा कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती ओके ठीक है यहाँ दिख रहा है बालको कोरबा में बनाती है ठीक है ये भी बनाती है आपका हिंडालको को नाल को भी बनाती है ठीक है यहाँ होगा आपका ठीक है तो इस प्रकार से याद रखना है ये होगा इसका आंसर टालको जो है आपका एल्यूमिनियम का निर्माण नहीं करती आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इन सारे तथ्यों को याद रखना हमें जरूरी है ठीक है जो डिटेलिंग में स्टार्टिंग में बताया मैंने कि आपका नवरत्न और महारत्न के बारे में जो लिस्ट दी उसके सारे कार्यों को जो है आप सीक्वेंस वाइज डिटेलिंग उसकी पढ़ते जाइए कौन से ईयर में बना कौन सा कार्य होता है और आपका उसके हिस्ट्री के बारे में जो पर्सनालिटीज़ हैं उसे भी याद रखना हमें अनिवार्य है ठीक है तो प्रश्न सत्र है इसे प्रश्न सत्र की तरह ही करेंगे आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक चार है हमारा निम्नलिखित स्थानों में कहा तांबा उद्योग स्थापित है ओहो हो ठीक तारापुर टीटागढ़ रांची ठीक ये तो दिख रहा है सीधा सीधा खेतड़ी खेतड़ी आपका राजस्थान में और यहाँ तांबा उद्योग स्थापित है पिछली कक्षा में भी इसके बारे में डिटेलिंग पढ़े थे ठीक आइए आगे, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक पांच है हमारा निम्नांकित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है ठीक है तो याद रखना है कड़प्पा सेल समूह का ये आपका चूना पत्थर आता है उसके अंतर्गत आपका सीमेंट उद्योग जो है इसका उपयोग करता है आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक छह है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है याद रखिएगा बिहार का जो डालमिया नगर है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ठीक है तो इस प्रकार याद रखना है आगे बढ़ते आइए प्रश्न क्रमांक सात है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था 18-19 की बात हो रही है यहाँ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इसीलिए प्रश्न रखा गया है कि 18-19 में और आपसे आपका इससे प्रीवियस ईयर जो आपका इक्कीस बाईस आएगा ठीक है सॉरी बीस इक्कीस आएगा तो उससे जो है प्रश्न हमारे पूछे जा सकते हैं तो ये प्रश्न जो है जो मैं करा रहा हूँ जो

किसके लिए प्रसिद्ध है चुनार देखिए कांच उद्योग 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 सीमेंट उद्ध्योग, बीड़ी उद्ध्योग, याद रखना है आपका सीमेंट सीमेंट उद्योग के लिए चुनार बस प्रसिद्ध है देखिए सीमेंट उद्योग से कितना प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस प्रकार के तथ्य बिल्कुल हमें याद करते हुए चलना है आगे बढ़ते हैं आइए प्रश्न क्रमांक नौ है हमारा निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है ठीक है तो याद रखिएगा चूना पत्थर जो है आपका सीमेंट का मुख्य संगठक है ठीक इस प्रकार से आपका अगर बोले कि आपका लोहा कौन से क्रम की चट्टान से प्राप्त होता है पिछली कक्षाओं में कराया तो धारवाड़ क्रम की चट्टान से प्राप्त होता है जो कि आपका उच्च किस्म का लोहा उसी से प्राप्त होता है सत्तर प्रतिशत मात्रा होती है उसमें आगे बढ़ते हैं आइए ठीक है तो प्रश्न का मांग दस है सूची एक एवं सूची दो को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए ओके ठीक है आइए देखते हैं ब्रजराज और आपका सीमेंट अच्छा ये दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा उद्योग मतलब आपका मिलता है पाया जाता है तो आइए कुछ इस प्रकार से देखें तो देखिए इस प्रकार से है ब्रजराज जो है वो आपका याद रखिएगा कागज उद्योग के लिए आपका प्रसिद्ध है ठीक उसके बाद याद रखना है कैमूर कैमूर कहाँ है आपका मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में याद रखना है आपका देखिए पहले देखिए तो ये इसमें चार है और इसमें चार है ठीक है उसके बाद तो चार और चार इसमें है दोनों में ठीक उसके बाद कैमूर याद रखना है आपका सीमेंट उद्योग के लिए फिर नाराज हो गया ये ठीक है कैमूर जो है आपका सीमेंट उद्योग के लिए याद रखना है तो दिखाई दे रहा है किसी में चार और एक ये दिखाई दे रहा है ठीक है अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा ठीक है चार हो गया फिर एक हो गया ठीक उसके बाद हल्दिया हल्दिया जो है वो पेट्रोल रसायन के लिए प्रसिद्ध है जो कि पश्चिम बंगाल में है जो कि पेट्रोल रसायन के लिए प्रसिद्ध है ठीक है उसके बाद याद रखना है फूलपुर फूलपुर जो है उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है ठीक कहाँ है आपका फूलपुर याद रखना है आपको कि यूपी में है ठीक है इस प्रकार से ये होगा इसका आंसर आपका चार फिर उसके बाद एक फिर उसके बाद तीन फिर उसके बाद हो जाएगा आपका दो ठीक है ये इसका आंसर हो जाएगा आइए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है हमारा 2018 हज़ार ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ ओके ठीक है पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में महाराष्ट्र के मुंबई में गुजरात के अहमदाबाद में या उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये होगा आपका आंसर ठीक है ये अस्तित्व नहीं है फिर नाराज हो गए बोर्ड महोदय तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं इसे अच्छा सा पेन ले, ले लेते हैं आप ठीक है ये रहा इसका आंसर ठीक है इस प्रकार से इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में जो कि कलकत्ता के करीब है वहाँ आपका पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया है आगे बढ़ते हैं आइए यहाँ दिखाई दे रहा है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे के कुर का प्रयोग करते हुए उत्तर का सही उत्तर का चयन करिए आइए देखते हैं ठीक है यहाँ दिख रहा है आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ठीक है तो इस प्रकार से हो गई ठीक है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ है तो यहाँ दिखाई दे रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो आपका कहाँ है दिल्ली में है ठीक है तो यहाँ में दिख रहा है आपका चार इसमें दिख रहा है और आपका इसमें दिख रहा है ठीक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर ठीक उदयपुर आपका उदयपुर राजस्थान में है ठीक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ठीक तो यहाँ दिख रहा है किसी में आपका चार दो तीन एक ठीक आइए मिला लेते हैं थर्ड होगा इसका ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पास हमें आंसर मिल गया है इसका आपका चौथा और दूसरा यही होगा तो इसीलिए मैंने इस तरफ गया ठीक तो आपका क्या हो जाएगा सी का थर्ड तो सी का थर्ड कौन सा है सॉरी सी का थर्ड बोलता सी का थर्ड हाँ सही है ठीक है इंजीनियरिंग लिमिटेड हो गया आपका थर्ड फिर इसका इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो है आपका कोटा में तो हो जाएगा आंसर ठीक है इस प्रकार से उत्तर लेना है ठीक आगे बढ़ते हैं आइए ये।, ये रहा सूची एक व्यक्ति को सूची संगठन से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए ठीक है भाई हाँ ये वाला प्रश्न याद रखना है यहाँ याद रखना है कि ये एक विशेष प्रकार का प्रश्न है ठीक है इस प्रश्न को जो है ये तो गलत है ये वाले तथ्य जो है आपके ये जो यहाँ पर्सनालिटी दिख रही है ये पुरानी हो गई है ठीक है तो आइए नए आंकड़े किस तरह टाइप के हो सकते हैं तो इसको प्रश्न को रखने का आशय इसी इसलिए है कि आपका ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आइए देखते हैं यहाँ दिख रहा है आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ठीक है तो यहाँ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के आपके नवीन बंसल ठीक है कौन है नवीन बंसल जी ठीक इस प्रकार से देख सकते हैं आप नवीन बंसल नवीन बंसल जी ठीक है ज्यादा बड़ा लिखा जा रहा है ठीक है छोटा कर लेते हैं इसको ठीक है अब एयर इंडिया का देखें यहाँ पास दिखेगा आपको राजीव बंसल ठीक है दोनों बंसल बंसल हो गया जी क्षमा चाहूंगा ये गलत होगा ठीक ये वाला पोर्सन यहाँ होगा आपका सिंघल ठीक है नलीन सिंघल ठीक सिंघल जी जो है आपके यहाँ के आपके एयर इंडिया हो गया मारुति उद्योग का देखें आइए यहाँ होगा आर सी भार्गव ठीक क्या होगा आर सी भार्गव ठीक है इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ठीक उसके बाद क्या है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ठीक है तो इनका क्या होगा आइए देखें एम वी राज ठीक है इस प्रकार से प्रश्न करना है तो ये तथ्य हमें याद होने चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं आइए अगला प्रश्न है हमारा सूची एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो सूची दो कार्य क्षेत्र में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए ठीक है आइए देखिए प्रतिष्ठित व्यक्ति है और इनके कार्य क्षेत्र है देख लिए वाहन उत्पादन मत्स्य उत्पादन ओके ठीक है जॉन कुरियन एकदम मत्स्य उत्पादन याद रखना है सी का टू दिख रहा है कहीं पास हाँ दिख तो रहा है जी ठीक है ये दोनों दिख रहा है ठीक है मैं इस प्रकार से इसे पर... परिचित किया फिर दूसरा क्या होता है आपका आइए देखते हैं वी बी राव वी बी राव जो है वो आपका किस में है चौथा होगा इसका कुटकुट उत्पादन ठीक है तो ऐसे पर्सनालिटी हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है तो इस प्रकार से देखिए कौन कौन सा जा रहा है आपका आ, वी बी राव फोर्थ हो गया आपका पहला ठीक है ये दोनों का है बिल्कुल सही ठीक है उसके बाद देखिए आपका सी के प्रहलाद सी के प्रहलाद जी जो हैं वो प्रबंधन विज्ञान से संबंधित हैं ठीक है इस प्रकार से सारी तथ्य हमें याद होने चाहिए इससे रिलेटेड प्रश्न हमारी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं और ऊपर से निकल जाता है तो इस प्रकार के तथ्य याद रखना हमें अनिवार्य है ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका सी के प्रहलाद सी के प्रहलाद जी का पांचवा है ठीक है तो क्या हो जाएगा आंसर आंसर हो जाएगा आपका डी क्या हो जाएगा फोर फाइव टू थ्री इस टाइप से इसका हल करा जा सकता है तो फोर हो गया अपना फाइव हो गया है टू हो गया है और आपका थ्री थ्री याद रखना है थ्री कौन कौन सा होगा आपका किरण कर्णिक आपका सूचना प्रौद्योगिकी प्र, प्र, प्र आपका प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर क्षेत्र में ठीक है तो इस प्रकार से इन पर्सनालिटी को याद रखना है तो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं इसीलिए जो है ये वाला प्रश्न है और आपका ये वाला प्रश्न है जिसको इस प्रकार से लिखा गया तो आपका ऐसे प्रश्न भी हमारे को देखने को मिल सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से तो हमें सारा क्षेत्र कवर करते हुए चलना है आइए आगे बढ़े अगला प्रश्न है निम्न लिखित में से किस स्थान पर इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ठीक है इसे देखते हुए चलना है जी ठीक है आपका वहाँ कुछ त्रुटि हो गई है ठीक है तो वेजिटेबल रिसर्च सेंटर कहाँ है आपका वेजिटेबल रिसर्च सेंटर है आपका वाराणसी में ठीक है तो इसका आंसर इस प्रकार होगा ठीक आगे बढ़ते हैं आइए वाराणसी कहाँ है उत्तर प्रदेश में आइए आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय डेरी डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है बहुत सारे बच्चों ने आंसर लगा दिया होगा अभी क्या होगा इसका आंसर करनाल करनाल कहाँ है आपका हरियाणा में ठीक है इस प्रकार से इसका उत्तर होगा आइए आगे बढ़ते हैं भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है तो याद रखिएगा कहाँ स्थापित है ये सूरत में गुजरात में स्थापित है ठीक आगे बढ़ते हैं आइए उसके बाद ये क्या है अनुसंधान केंद्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम ठीक है उसके बाद है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है कटक में धनबाद में जमशेदपुर में आपका भवन भावनगर में धनबाद में है ये ठीक है धनबाद कहाँ है झारखंड में ठीक इस प्रकार याद रखना है इसे आगे बढ़ते हैं आइए प्रश्न क्रमांक उन्नीस है भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ है आपका घास एवं आपका चारा अनुसंधान केंद्र याद रखिए कि झांसी में स्थित है ठीक है उत्तर प्रदेश में ठीक आगे बढ़ते हैं आइए प्रश्न क्रमांक बीस देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ है भाई गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है आपका कोयम्बटूर में है समस्तीपुर में है लुधियाना में है या लखनऊ में है आपका लखनऊ में स्थित है यहाँ देखिए ठीक है फिर नाराज हो गया बोर्ड महोदय ठीक है लखनऊ में स्थित है ठीक है आगे बढ़ते आइए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक इक्कीस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आई का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है तो आपका पेरिस में है नई दिल्ली में है गुरुग्राम में है या न्यूयॉर्क में है ठीक है कहाँ है भाई लगाइए देखिए ठीक है तो क्या होगा इसका देखो गुरुग्राम में स्थित है ठीक है

सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र आपका है प्रयागराज में स्थित है ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा आपका प्रयागराज आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 24 है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है ठीक कहाँ है ये दलहन दलहन है आपका कानपुर में ठीक है आइए आगे बढ़े अगला प्रश्न है हमारा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है क्या बोल रहा हूँ सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर याद रखिएगा मैसूर में स्थित है ये ठीक है इस प्रकार से हमारा ये 25 प्रश्न यहाँ समाप्त होता है आशा करता हूँ आप सारे तथ्यों को बेहतर तरीके से याद करें होंगे महारत्न एवं नवरत्न की जो मैंने आपको लिस्ट दी है उसको बिल्कुल जरूर से जरूर याद कर लिए याद कर लीजिएगा क्योंकि वो अपडेट है ठीक है तो इसी के साथ आज हम पुराने प्रश्न को देखेंगे आइए ये रहा पिछला प्रश्न जिसका उत्तर कुछ इस प्रकार है क्या बोल रहा है सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए ठीक है तो यहाँ दिख रहा है आपका बांदीपुर कहाँ है कर्नाटक में ठीक है उसके बाद आपका दुधवा कहाँ है आपका उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ठीक है सिमलीपाल कहाँ है आपका उड़ीसा में ठीक है, है? सर इसका कहाँ है आपका राजस्थान में है तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा तीन चार दो एक फिर नाराज हो गए बोर्ड महोदय ठीक है बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल ही सही उत्तर दिया है मैं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं ठीक है और साथ ही आज का जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से आइए देखिए ये रहा आज का प्रश्न बिल्कुल इसे सोच समझ के बनाना है ठीक है और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है ठीक तो इसी के साथ साथियों इजाजत चाहूंगा जय हिंद जय जै भारत